Hello friends, today we are going to solve the English worksheet. So let's start. Today's topic is O sound. तो चलिए इन words को पढ़ते हैं और समझते हैं. O से आती है O की sound. G से आती है G की sound. तो पहला word पढ़ते हैं D O G dog. F O G fog. G hog. J O G jog. L O G log. अब next देखते हैं. O से आती है O की sound. B से आती है B की sound. तो पहला word है C O B scope. M O B mob. J O B job. O से आती है O की sound. X से आती है X की sound. तो first word है B O X box. F O X fox. तो चलिए इनसे related कुछ question करते हैं. Question number one. The octopus is playing with many balls. You have to color the balls that have words with O sound and write them in your notebook or reply through a voice message. तो यहाँ पे एक ऑक्टोपस है जो कुछ वर्ड्स के साथ खेल रहा है. तो हम यहाँ पे एक एक करके इन वर्ड्स को पढ़ेंगे और जिनमें ओ की साउंड आएगी उसको कलर करेंगे. तो पहला वर्ड है सी ओ बी कोब. तो कोब को ऑलरेडी कलर किया हुआ है. नेक्स्ट वर्ड है एम ए टी मैट. तो क्या मैट में ओ की साउंड आ रही है? नहीं. नेक्स्ट है सी ए एन कैन. तो क्या कैन में ओ की साउंड आ रही है? नहीं. नेक्स्ट है जे ओ बी जॉब. तो क्या जॉब में ओ की साउंड आ रही है? हाँ. तो चलिए इसको कलर करते हैं. नेक्स्ट है डी ओ जी डॉग. तो क्या डॉग में ओ की साउंड आ रही है? हाँ. तो चलिए इसको कलर करते हैं. नेक्स्ट है बी ओ एक्स बॉक्स. तो क्या बॉक्स में ओ की साउंड आ रही है? हाँ. तो इसको भी कलर करते हैं. नेक्स्ट है आर ए जी रैग. तो क्या रैग में ओ की साउंड आ रही है? नहीं. नेक्स्ट है एफ ओ जी फोग. तो क्या फोग में ओ की साउंड आ रही है? हाँ. तो हम इसको भी कलर करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू. Write the names of the given pictures in your notebook or reply through a voice message. तो हमें इन pictures में यहाँ पर इनका name लिखना है. जैसे first है D O G dog. तो यही already लिखा हुआ है. Next है C O B cob. तो हम यहाँ लिखेंगे cob. C O B cob. नेक्स्ट पिक्चर है F O X fox. तो हम यहाँ लिखेंगे F O X. नेक्स्ट है M O B mob. तो हम लिखेंगे M O B mob. नेक्स्ट पिक्चर है L O G log. तो हम यहाँ लिखेंगे L O G log. लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री. फाइंड द ओ साउंड वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द अल्फाबेट ग्रिड. राइट द आंसर इन योर नोटबुक और रिप्लाई थ्रू अ वॉइस मैसेज. तो आपको यहाँ पर ओ साउंड वर्ड नीचे इस ग्रिड में से ढूंढने हैं और उनको सर्कल करना है. जैसे
फर्स्ट है सी ओ टी कोट, तो कोट को ऑलरेडी यहाँ पे सर्कल किया हुआ है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एफ ओ जी फोग, तो फोग को हम देखते हैं फोग है यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट है एम ओ बी मोब, तो मोब को हम करेंगे सर्कल। नेक्स्ट है एफ ओ एक्स फॉक्स, तो फॉक्स को हम करेंगे यहां पर सर्कल। नेक्स्ट है एम ओ पी मोब, तो मोब को करेंगे हम सर्कल। नेक्स्ट है एम ओ एम मोम, तो मोम है यहां पर नीचे, तो हम मोक्स को सर्कल करते हैं, मोम को, तो हम मोम को सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है पी ओ टी पोट, तो हम पोट को सर्कल करते हैं, पोट सबसे ऊपर। नेक्स्ट है टी ओ पी टॉप, तो हम टॉप को सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है जी जे ओ बी जे ओ जी जॉग, तो हम जॉग को सर्कल करते हैं। नेक्स्ट है बी ओ एक्स बॉक्स, तो हम बॉक्स को सर्कल करते हैं। इसी के साथ ये वीडियो पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।